हे गाइज वेलकम टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग ओके सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइज द बुक्स आई डोंट एंड आई डू यूज़ फॉर माई नीड प्रिपरेशन सो स्टार्टिंग ऑफ विद पी डब्ल्यू की मॉड्यूल्स सो सो एज़ यू कैन सी ये अर्जुना की मॉड्यूल्स है क्लास इलेवेंथ की सो पूरे क्लास इलेवेंथ में आई यूज पी डब्ल्यू की मॉड्यूल्स जब मैंने बैच परचेज़ करा था उसी के साथ मैंने परचेज़ कर ली थी और मैंने इनको यूज़ करा था लाइक like, मैं इनको यूज़ करती थी बट साथ साथ मैं एक दूसरी बुक भी यूज़ करती थी जिसको मैं भी आगे दिखाऊंगी आप लोगों को मतलब यू इज़ ऑलरेडी नो इलेवंथ में इतना पता नहीं रहता तो भटक तो जाते ही थे हम कुछ ये भी करने लगते थे वो भी करने लगते थे सो सेम एक साथ हुआ था मैं मॉड्यूल्स भी करी थी डी भी करी थी और एक और बुक भी करी थी वो भी आगे बताऊँगी सो हाँ इफ़ एनी इलेवंथ क्रिएटर इज़ वॉचिंग माई वीडियो सो आई वा गिव यू एन एडवाइस की प्लीज़ अपनी मॉड्यूल से ही स्टिक करो डी पी पीज एंड मॉड्यूल्स आर मोर दैन अनफ प्लीज़ बहुत सारी बुक्स करने मत बैठो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है बट नहीं है ट्रस्ट में एंड लेट मी क्विकली टेल यू दैट पी डब्ल्यू इज़ सेलब्रेटिंग गुरु पूर्णिमा दिवस फ्रॉम थर्ड टू एर्ट जुलाई जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स यूल गेट यकीन थ्री पॉइंट टू विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस ड्रॉपर बैच और वो अभी लॉन्च हुआ है उसके क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं सो यूल गेट इट ओनली फॉर रुपीज़ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अर्जुना टू पॉइंट टो फॉर इलेवन ग्रेडर्स अगेन फॉर थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ लक्ष्य टू पॉइंट टू फॉर ट्वेल्थ ग्रेडर्स इसका भी प्राइस सिर्फ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ एंड इफ़ यू यूज़ माई कोपन कोड यू विल ऑल्सो गेट एडिशनल वन फिफ्टी रुपीज़ ऑफ और सारे ही बैचेज बहुत अच्छे हैं सब में एकदम टॉप एजुकेटर्स डी पीज एन सी आर टी डिस्कशन डेली टेस्ट एवरी थिंग आपको मिलेगा सो जस्ट गो फॉर पी डब्ल्यू ओके okay, सो so, मैंने बताया जैसे कि कि मैं इलेवेंथ में पी डब्ल्यू की मॉड्यूल्स करती थी और एक और बुक करती थी वो एक और बुक एररलेस थी सो so, मैंने अपने लाइक like, एलैंथ में पी डब्ल्यू की मॉड्यूल्स डी पी पीज और एररलेस करी थी मतलब एंड के टाइम में तो ना मैं सिर्फ एररलेस ही करने लगी थी क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस थे इतने सारे कि मेरे को क्या कहते हैं पी डब्ल्यू की मॉड्यूल्स करने का तो टाइम मिलता ही नहीं था और एररलेस ना है तो काफ़ी अच्छी बुक हर टाइप के इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम लोगों को बट मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इतने सारे क्वेश्चन थे इतने सारे इतना टाइम लगता था करने में और ये केमिस्ट्री की भी थी सेम केमिस्ट्री में भी मैंने यहीं करा था आ, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में एररलेस ही करने लगी थी मैं एंड में एलेवंथ के टाइम पे और ये वॉल्यूम वन इलेवेंथ क्लास की और वॉल्यूम टू ट्वेल्थ क्लास की है और इवन अपने ट्वेल्थ के स्टार्टिंग में मैंने एररलेस करी थी देन उसके बाद आई स्विच टू समथिंग एल्स जो मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगी और बहुत सारे लोगों को पहले भी पता होगा जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं सो द नेक्स्ट बुक इज़ एन अवस्थी और यह बहुत फेमस बुक है बहुत ज़्यादा और ये बहुत सारे लोगों को पता है फिजिकल केमिस्ट्री ये बुक है सो so, मैंने ये इलेवंथ में ले ली थी क्योंकि इलेवंथ में मेरी फिजिकल केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना मेरी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी सो so, जोश जोश में मैंने ये ऑर्डर कर ली यूट्यूब पर से देख के और मैं जब इसको करने लगी ना तो मेरा कॉन्फिडेंस इससे और डाउन ही हुआ क्योंकि इसमें है हार्ड लेवल के क्वेश्चंस और मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था आई रिमेंबर मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मेरे से क्यों कुछ भी नहीं हो रहा है और इसमें मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चनस नहीं है और मैं ना इसमें चैप्टर भी सबसे पहला चैप्टर भी केमिकल एक्वेलेब्रम करने बैठी थी जो मुझे ढंग से आता भी नहीं था तो मेरे से और भी क्वेश्चन नहीं हुए इसके और इसमें मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है सो so, मैं मेरे से ये बुक करी ही नहीं गई बिल्कुल भी मैंने नहीं करी मैं मॉड्यूल के पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करने लगी थी और डी पी पीज़ सो आई डोंट यूज़ दैट बुक एनअवस्थी देन द नेस्ट बुक इज़ ओ पी टंडन ये भी बहुत फेमस बुक है और ये भी पता होगा इनऑर्गेनिक की बुक है इसमें इलेवन ट्वेल्थ दोनों के चैप्टर्स हैं और एनअवस्थी में भी दोनों के चैप्टर्स थे इलेवन ट्वेल्थ के और ये बुक भी ना मैंने यूट्यूब वीडियो देख के ले ली थी बट इसको मेरे को ना करने का टाइम नहीं मिला मतलब इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं इसको अगर तुम लेना चाहो तो आराम से ले सकते हो टॉपिक वाइज है थ्योरी भी है हर चीज़ अच्छी है लेना चाहो तो ले लो बट मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था एलेवंथ के एंड में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करने का सो मे बी मैं इसको बाद में यूज़ करूँ लाइक जब मैं रिवाइज़ करूँगी पूरा सिलेबस देन उसके बाद आई हैव दिशा पब्लिकेशनस की पी वाई क्यूज़ बुक का सेट जो कि मैंने इलेवन्थ क्लास में ही ले लिया था जब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था लाइक तभी ले लिया था स्टार्टिंग में अगेन एक यूट्यूब वीडियो देखी थी उसको देख के लिया था और ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है इसका तीनों का सेट बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ ठीक है और इसके ऑल्टरनेट्स भी हैं लाइक यू कैन यूज़ पी डब्ब्ल्यू की थर्टी सिक्स ईयर्स की पी वाई क्यूज़ की बुक वो भी है मेरे पास वो भी सेम है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरे को मेरे पास एक और भी है ये दिशा पब्लिकेशन की सो so इनमें से आप कोई भी ले लो सारी ही बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और मैं इनमें से ही कोई सी भी यूज़ कर लेती हूँ जो मेरा मन करता है क्योंकि सारी हैं देन उसके बाद वी हैव एम टी जी की एन सी आर टी फिंगर टिप्स ये अगेन बहुत फेमस बुक्स है और बुक है और बहुत सारे बच्चे इसको यूज़ करते हैं ये ना मैंने ख़रीदी भी नहीं थी ये मेरे को अपने कज़न से मिली थी सो so मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ लाइक ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिसको खरीदनी है यू कैन टोटली गो फॉर इट बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है बट मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि इसमें ना अगेन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं और मेरे को लगता है कि मैं मतलब मेरे को लगता है कि बायो में मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पर्सनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की और ये अगेन मेरे पास डॉक्टरली की बुक है इसमें भी उन्होंने एन सी के हर लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करा हुआ है सो so, अगर ये देखनी हो तुम लोगों को तो ये भी देख सकते हो तो so, बायो में मैं इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती हूँ डी और आई यूज़ मेमोनीट ऐप फॉर बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस आई डोंट यूज़ एनी एज सच बुक्स ठीक है दैन वी हैव एल एन की मॉड्यूल्स जो कि मैंने अभी ट्वेल्थ के स्टार्टिंग में ही ऑर्डर करी हैं लाइक ट्वेल्थ के एक दो महीने बाद जब स्टार्ट हो गई थी ट्वेल्थ और मैं इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ अभी तो अपनी प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में और बायो के लिए आई यूज़ मेमोनीट ऐप एल एन की मॉड्यूल्स आर आई नो थोड़ा ऑन एक्सपेंसिव साइड बट यू कैन टोटली गो फॉर पी डब्ल्यू की मॉड्यूल्स वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं बहुत ज़्यादा तो so गाइज़ मैंने तुम लोगों को बता दिया कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं और मैं कौन कौन सी यूज़ करती हूँ और कौन कौन सी नहीं करती हूँ सो so, अब तुम देख सकते हो कि तुम्हें कौन सी खरीदनी है इस वीडियो के बाद सो दिस वॉज इट टेक केयर गाइज एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय